नमस्कार भागवान भाइयों, भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारी या साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ आपने उस मतलब जब स्टार्टिंग में किया होगा, जैसे विप प्लांट आया, एक साल का आया, हेड बैक किया, ठीक है, यहाँ से किया होगा उन्होंने, उसके बाद ये रिग्रेस शूट वही चीज़ आ गई। अगर ये दूसरा और तीसरा उस टाइम निकाल देते, होना तो चाहिए था हेड बैक ये यहाँ इतनी हाइट पे, ताकि हमें ब्रांचेस इसमें शायद ग्राफ्टिंग किया होगा। हाँ जी, ग्राफ्ट किया हुआ, चलो मतलब मान लो इसको, तो हमें इतनी हाइट पे हेड बैक करना, दोस्त बर्ड निकाल देने ताकि हमारी ब्रांचिंग इस हाइट पे आए। अब ये आगे ही नीचे एक चीज़ और देखनी है कि ये विग्रस जब ब्रांच निकली है उसको अनकवरेज नहीं करना, आपने निकाल देना है, ये सारी लीडर को ख़त्म कर देंगे। ये तो ग्राफ्टिंग करके ख़त्म हुआ है, अदरवाइज नहीं होना था। ये एंगल पे मैं टेस्ट करता हूँ, अब देखो ये एंगल क्या बना। हमें तो फ्रूट यहाँ भी लगे, जैसे यहाँ बीमा आ गया ना, यहाँ भी बीमे ले आए थे, अगर यूँ ये थोड़ा सा अवॉइड करिए इस एंगल को, ये देखिए ये बहुत अच्छा एंगल है ना, अब थोड़ा सा ये ख़त्म कर दी ग्रोथ। जैसे लीडर हमारा ये जा रहा है, एक ब्रांच ये आ गई, एक ये आ गई, ये आ गई, ये ब्रांचेस वैसे नहीं होनी चाहिए थी, ये थोड़ा सा यहाँ से एक ब्रांच निकालनी थी। अब इस ब्रांच को हम लीडर मानते हैं, अब जो यहाँ से हेड बैक हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा आगे जाती है यहाँ पर, यहाँ इसकी ग्रोथ चेक करते, बाकी इसमें भी मैं बिल्कुल ठीक बने हुए हैं। अब इसमें जो कमी या मतलब जो सुधार कर सकते हैं अभी थोड़ा सा, जो प्रूनिंग बिल्कुल इसमें 0% प्रूनिंग है, बहुत कम है, 1-2% आपको प्रूनिंग। इस कंडीशन में आपने क्या करना है, ऐसी शूट को अनकवर करना है। अब जैसे ये आ गई, अगर इसको ब्रांच को हम देखते हैं, अगर इसको आप ऐसे ही गैन देंगे क्या होगा, इसमें बीमे बन जाएंगे, ग्रोथ चेक होगी। अभी हमारे पास फ्रूट है तो इसको हम आधा हेड बैक कर दो ताकि थोड़ी ग्रोथ आ जाए। हमारा प्रूनिंग का जो उद्देश्य होता है कि कुछ नई ग्रोथ भी निकले और बीमे भी बने, उसका संतुलन होना चाहिए। अब इस पौधे में नई ग्रोथ बहुत कम है, अनकरेज करनी है और बीमों की थोड़ी थिनिंग करनी है। बीमे बहुत ज़्यादा है, कई जगह 3-3, 4-4 साल वाले बीमे हो गए, उनको आप थिनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को दे दो, अब इसमें 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 बीमे आ गए, 12-5-60 फ्रूट हो गए। अगर आपके 60 आधे भी सेट होंगे 30 फ्रूट हो गए, इसका कैपेसिटी है 30 फ्रूट को, तो बेटर ये है कि आप इसकी स्पर्ग में थिनिंग कर दीजिए, जो अच्छे वाला बीमा है उसको रखिए। अब ये डेड हो गया है, ये आपका फर्स्ट। अब जो भी इसमें फ्लावर आएगा हेल्दी फ्लावर आएगा, क्योंकि खुराक हमने इधर की जगह इधर डाइवर्ट कर दी, तो इस बीमे जब ये खुलेंगे फूल तो हमेशा अच्छा फ्लावर आएगा और अच्छा सेट होगा। तो अब इसमें सिर्फ यही है कि आपकी इसकी थिनिंग है, बीमों की थिनिंग करो आप, बस एक काम है इसमें जो थोड़ा सा करने वाला है, ये देखिए मैं 2-3 रखती है, बस एक काम है इसमें, और बड़े मज़ेदार काम है, खुद भी होगा, मेरा पीछे आता था मैं तो लगा रहता है इसमें। अब आपकी ऊपर इसमें ग्रोथ देखिए, इसमें जो ग्रोथ ऊपर जा रही है, 1 लीटर की ग्रोथ को ले जाइए, और बाहर भी इनको कुछ को खाली रख देगा, ऊपर ज़्यादा ग्रोथ आ गई है, जैसे आप बता रहे थे ना, कौन पूछ रहा था कि हेड बैक करने को, अब ऊपर इनको हम मना कर देंगे आपको कि इसकी हेड बैक नहीं करनी है, बीच में थिनिंग कर दो। हेड बैक मीन्स 1-2 ब्रांचेज निकली है, उसके एक को आधे को हेड बैक करिए ताकि ग्रोथ आ जाए, और आधे को एक ब्रांच को हेड बैक नहीं करना है ताकि बीमे बने, नेक्स्ट ईयर रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप वो करेंगे तो मैं नहीं मानता कि इसमें 2 पेटी क्वालिटी फ्रूट आपका 40-50 किलो क्वालिटी फ्रूट आ जाएगा। बस ये नहीं करनी, ये थोड़ा सा हो गया कि जो लीडर है, लीडर की
मतलब डेड नहीं करना लीडर को, चाहे ब्रांच लीडर है चाहे वो है। सर इसमें क्या था, मैंने क्वेश्चन ये है, जैसे डेड किया ना जी, तो कहते थे कि जो जैसे ये मेन ब्रांच है ना जी, मेन के बाद जितनी भी सेकेंडरी ब्रांचेज है ना बाहर की, इसमें ग्रोथ नहीं चाहिए हमारे को, इसमें तो फ्रूट चाहिए, ग्रोथ चाहिए हमारे को इस पे। यदि आपको ग्रोथ यहाँ चाहिए तो क्लिक करना, नहीं तो इसको यहाँ डेड कर दो। ठीक है, जैसे मेन ब्रांच आई ना, हाँ जी ये मेन ब्रांच है, हाँ जी ये बहुत मोटी हो चुकी है, एक काम था बहुत पहले का, पहले का जी। देखिए ए ब्रांच मेरे को नहीं चाहिए थी इतनी बड़ी, हाँ जी ये तो मेरे को यहाँ छोटी छोटी ब्रांच ही चाहिए थी, हाँ जी। अब जैसे इसमें इसी को लीडर मान लो, अब ए में भूल जाओ, इसको करो, मुझे चाहिए इस तरह की ब्रांच, इसमें ये लीडर मान लिया, ये इसी का लीडर मान लो, अब ये तो वैसे तो होनी चाहिए थी ऐसे ब्रांच इस पे, हाँ जी। अब इसी को लीडर मान रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या करना है, अब ये बिल्कुल ठीक आ गई है, इसमें तीन चार ब्रांचेज आई है, इसको जो ये है ठीक है, इसको ग्रोथ चाहिए, इसको थोड़ा आगे ले आया, ठीक है जहाँ ग्रोथ बंद करनी है उसको आगे से आपने काट दिया, ये बिल्कुल ठीक काटे हुए, ठीक है। अब इसमें कहीं भी नहीं, इसकी जो टॉप वाली थी वो आगे मिल गई है, तो इसलिए ऊपर भी बंद कर दिया, तो ये होना चाहिए था ये काम, इसमें इसमें ये ब्रांच नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे इस वाली ब्रांच को ले लीजिए आप, इसमें भी वही बनी हुई है जी, अब इस ब्रांच में बिल्कुल ठीक है, ये नहीं चाहिए थी, हमने पीछे ले आना, बीमे बनते गए, ठीक है, इसमें भी बीमे बन गए, इसमें भी बीमे बन गए, पर जो इसका आगे वाला लीडर है उसमें हमें ग्रोथ नहीं होगी, और आने वाले टाइम में थोड़े टाइम के बाद इसको हमें इसमें अनकरेज करने कि अगर नया शूट निकल रहा है ना उसको नहीं निकालना, उसको हेड बैक करना ताकि थोड़ी सी ग्रोथ आ जाए, इसमें मैं ग्रोथ बिल्कुल नई ग्रोथ ऊपर ऊपर दिखी है आपको, इस तरह के जो ये बीच में ब्रांच तो बंद करके कीजिए, पिछले साल से बोलो ग्रोथ बंद करो, नहीं नहीं आगे की ग्रोथ तो ये तो बंद करनी है, ये बिल्कुल ठीक है, आगे सारी है ना, जब ये बड़े हो जाते इकट्ठे हो जाते फिर यहाँ धूप ही नहीं आ रही, नहीं नहीं आगे की सिंगल रखनी है ना, आगे झुमगुंड नहीं बनाना, सिंगल रखो। अब जब ये लीडर देखो, ये और ये ब्रांच मिल गई है, इसकी लीडर बिल्कुल बंद कर दी, ये आपका जो टहना था वो एंड तक पहुँच गया है, अब इसने तो इसी में इसमें नहीं ग्रोथ लेनी, ये बिल्कुल ठीक किया हुआ, नहीं ये था नहीं जैसे ये कट मारे, ये इसलिए मारे बोलो जो ये है ये थोड़े मेन है ना, ये अगर इनको भी इसके साथ ही पैरेलल में रखेंगे तो इसमें पहले तो अनिन देगा, बल्कि इसको तो या मैं तो पहले से होता ना, अब तो ये विकल्प यही रहा है कि इसको थोड़ा बहुत इसको धीरे धीरे पीछे ले आओ, और मतलब ये आ गया नहीं, इसको एक आधे साल बाद आप यहाँ भी आ सकते हैं, पीछे ले जाओ, ये पुराने ना जी पौधे, ये तो बड़ी मुश्किल से सेटिंग करके, पर मेन ब्रांच अब ये सर इसका क्या करना, जो यहाँ आ गया है ये बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल, अगर इसको आप आगे ले जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ काट के ये आगे भागेगा तो आगे पीछे छांव कर देगा, इसमें दो विकल्प है, या तो मैं रिंग पे जाऊंगा, ये रिंग है, ये डबल रिंग था एक बिसात वाला है, या मैं यहाँ पे हमें इसलिए ये ब्लाइंड आईज है, ये भी फोड़नी है अभी, यहाँ बीमे बनाए ताकि आपका पीछे बीमा आता ही है, इसको अनकरेज नहीं करना, जैसे ये है देखो अगर फूट लगेगा नीचे आ गया तो इसको मैं सिंगल में जाता हूँ, बस इसमें थोड़ी सी ये करनी, यहाँ देखो ये ठीक है, यहाँ रिंग पे आ गया, इसको हेडबैक नहीं करना, इसको गेंद दो, अगले साल या बीमे पीछे बन जाएंगे या यहाँ गेंग पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है ठीक। तो इस तरह से पर जो मेन ब्रांच है उसको जैसे फॉर एग्जांपल या आपका खाली पोर्शन है तो थोड़ी बंद हो जाती है, अब क्या करना था, ये मेन ब्रांच इधर से जो आ जाते हैं सारे बिल्कुल ही इकट्ठे ही थे, ये देखो ना आप, ये मेन ब्रांच है, ये आपका लीडर है, ये मेन ब्रांच है, ये नहीं थोड़ा सा हट गया इसको ना करते ना इसको चलने देते, बाकी तो ये बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको भी आप पीछे ले आ सकते थे, अगर ये इसकी ग्रोथ इसी होती तो मैं यहाँ से ले आता इसको भी, ये नहीं अनकरेज करनी, ये लीडर जा रहा है मेन के साथ, कम्पिटिटिव ब्रांचिंग नहीं बनानी, बाकी बहुत अच्छी प्रूनिंग हुई है, सिस्टम ठीक है, क्या ये तब ऐसा है ना रफ काम कर दिया कि इसको शॉर्ट करो, और क्वालिटी नहीं बनती, क्वालिटी तब नहीं बनेगी ना, ये इनिशियली अगर ऐसी ब्रांचेज होती ना आपके,
देखो किसी